हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर सैन्य उत्कर्ष परिवार में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, दिवाली नजदीक आ रही है, बम फटाके दिमाग में आ रहे होंगे लाडलो। और दिवाली जब जब आती है तो याद करो मेरे दोस्तों, बच्चों के दिमाग में तो एक ही चीज आती है, कब छुट्टी होंगी, क्या कब छुट्टी होंगी। लेकिन भाई साहब, फूल पत्ती वाला दौड़ा दौड़ा कर मारेगा, क्या दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। मेरे दोस्तों, हम भी किसके, हम दोस्तों किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। और उड़ान हमेशा हौसलों से होती है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मनदीप है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, कमलेश जाट है, रमेश सौरज सरोज हैं, महावीर है, लालू प्रसाद है, विकास है, सभी जुड़ चुके हैं मेरे दोस्तों। सभी को जोड़ लीजिए क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है आज दोस्तों। इतनी सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। और मैं क्यों दिखाने वाला हूं, क्योंकि मेरे दोस्तों ये मेरा परिवार है, क्या ये मेरा परिवार है। और मैं दिखाऊंगा, राजूरी टीम को कुछ भी मिलेगा दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा। अपने परिवार की बात तो साझा करूंगा ही करूंगा। चलिए लाडलो आगाज करते हैं। आज बहुत सारा काम करना है हमें, और मेरे दोस्तों काम करने के बाद मुझे जाना भी है रसगुल्लो। इसलिए चलिए बांके बिहारी लाल की जय बोलिए एक बार, और जुड़िए मेरे साथ में मेरे दोस्तों। लीजिए आरंभ करते हैं 12 नवंबर 2020 दैनिक समसामयिक की, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है, अति महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को नागिन डांस करवाना है, तो आप सभी का स्वागत है, क्या आप सभी का स्वागत है। लीजिए मेरे दोस्तों, देखते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के चौथे संस्करण के आयोजन की घोषणा। हरियाणा के पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण। डीआरडीओ भवन में एसेट मिसाइल मॉडल का अनावरण। 10 नवंबर को मनाया गया विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे। चीन ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह किया लॉन्च। मौसम विभाग अगले मानसून काल से मलेरिया को लेकर भी जारी करेगा पूर्वानुमान। आर्मेनिया और अजरबैजान ने रूस की मध्यस्थता में शांति समझौते पर किया हस्ताक्षर। मुंबई इंडियंस ने जीता 5वां इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल खिताब। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, ऑनलाइन कंटेंट व ऑनलाइन प्रोग्राम। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के परिणाम घोषित। एनडीए को मिला पूर्ण बहुमत। और देखिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और आपको औरों से बेहतर करेगा। सुबह सुबह जगने का सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि आप जितना छोड़ दोगे ना, मेहनत नहीं करने वालों को केवल उतना ही मिलने वाला है। सुनिए दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, क्या जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, क्या जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए, क्या बस इरादों में जुनून चाहिए। आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, आसमां को भी झुकना पड़ता है दोस्तों। जब भारत की वायुसेना आसमान को चीर के ऊपर उड़ती है, तो मेरे लाडलो आसमान को झुकना पड़ता है उसके बल के ऊपर, उसके साहस के ऊपर, उसके संघर्ष के ऊपर, उसके जुनून के ऊपर। आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत मेरे दोस्तों तुमको हरा नहीं सकती। तुम केवल तभी हारोगे जब तुमने हार मान ली दोस्तों। और अगर तुमने ठान ली, तुम्हारे इरादे इतने मजबूत हैं, तुम्हारे इरादे फौलाद की तरह हैं, तुम्हारे इरादे मेरे दोस्तों मांझी की तरह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बड़ा लंबा दंगल चलने वाला है मेरे दोस्तों, बड़ी बड़ा गुरूर है मेरे दोस्तों इस मंजिल को अपनी ऊंचाइयों पर। इसकी अकड़ तोड़ना ही हमारा परम कर्तव्य, क्या दोस्तों इसकी अकड़ तोड़ना ही परम कर्तव्य है। इरादों को मजबूत कर लो मेरे लाडलो। और सर्दी के समय सुबह जगने वालों का तो इरादा वैसे भी दोस्तों आसमान पे होता है, क्या आसमान पे होता है। चलिए मेरे साथ में अरविंद, महावीर, बलराम, सुरेंद्र, मीना, महावीर स्वामी, सुचित, रोहिताश, अरविंद, सभी जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। जो नहीं जुड़े उन्हें भी जोड़ लेना, उनसे कह देना दोस्तों आज आपको जो दिखाऊंगा ना, आप कह दोगे सर वास्तव में ये परिवार है, क्या ये परिवार है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल। हाल ही में भारत सरकार द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के आयोजन की घोषणा की गई है, यह होगा तो मेरे दोस्तों भाई साहब ये चौथे नंबर का होगा। कौन से नंबर का होगा?
होगा? ये होगा चतुर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर का होने वाला है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। अब आप कहोगे कब होगा मेरे दोस्तों? ये दिसंबर 2020 में होगा। कब होगा? दिसंबर 2020 में इसका आयोजन होगा, 8 से 10 दिसंबर तक, 3 दिन मेरे दोस्तों ये चलने वाला है। क्या? 8, 9 और 10 दिसंबर को चलने वाला है। 10 दिसंबर याद है आपको, मानवाधिकार दिवस दोस्तों, ये होता है 10 दिसंबर। कब होता है? 10 दिसंबर को। और नोबेल पुरस्कार भी कब मिलते हैं? इसी दिन मिलते हैं लाडलो। अगर आपसे पूछ ले इस दोस्तों इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो मेरे दोस्तों एक लाइन याद करो, ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाई है। जब 15 अगस्त 2020 को दोस्तों मोदी जी कहां से, लाल किले की प्राचीर से बोलते थे, तो उन्होंने कहा था अब मेक इन इंडिया नहीं, अब मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड। क्या? मेक इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड दोस्तों, मेक फॉर वर्ल्ड। मतलब कि केवल अब भारत को बनाना नहीं है दोस्तों, भारत को अब विश्व के लिए बनाना है, कुल मिला के आत्मनिर्भर भारत बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और आप मुझे बताइए लाडलो, अगर हमें खुद पर निर्भर होना है तो हमारे पास नए नए तकनीक होनी चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए मेरे दोस्तों। ये सारी चीजें हमें जरूरत पड़ेगी ना, तो ध्यान रखना इस बार की जो थीम है, अगर आपसे पूछ ले इसकी दोस्तों इंडियन मोबाइल कांग्रेस, इसमें 50 से अधिक देशों के दोस्तों लोग भी शामिल होंगे, लेकिन ये ऑनलाइन होगा। क्या होगा? अब ये ऑनलाइन होने वाला है COVID-19 के कारण। अगर आपसे पूछे इस बार की थीम क्या है रसगुल्लो, तो नोट कर लेना, इस बार की जो थीम है वो है समावेशी नवाचार, स्मार्ट सुरक्षित टिकाऊ। दोस्तों क्या है? इस बार की जो थीम है वो है समावेशी नवाचार। और ये कैसा होना चाहिए मेरे दोस्तों? ये होना चाहिए स्मार्ट सुरक्षित और टिकाऊ होना चाहिए। क्या दोस्तों? स्मार्ट सुरक्षित और टिकाऊ होना चाहिए। अब समझिएगा मेरी बात को, पहला पॉइंट तो होता है नवाचार, इनोवेशन दोस्तों, कुछ नया करना, कोई नई तकनीक यूज करना नवाचार होता है। दूसरा क्या है दोस्तों? टिकाऊ होना चाहिए। मतलब कि कोई आप नई तकनीक लाओ, ऐसी मत लाना कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचे मेरे दोस्तों। सस्टेनेबल होना चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। सस्टेनेबल से कुछ याद आ रहा है रसगुल्लो? सवाल छपेगा भाई साहब एग्जाम में। सस्टेनेबल जो है मेरे दोस्तों, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, कब से कब तक के लिए है? 2015 से 2030 के लिए है। और मेरे बुझे हुए चूनो कितने हैं टोटल? भाई साहब 17 हैं। कितने हैं टोटल? 17 लक्ष्य हैं इसके अंदर। और 2015 से 30 के लिए पर्यावरण को ध्यान में रख के विकास, यही होता है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, चलिए सारी बातें मैंने आपको बता दी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के फोर्थ संस्करण के बारे में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है भाई साहब एकदम कतई जहर क्वेश्चन है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। दूध खाट की नगरी से, कहां से? दूध खाट की नगरी से क्वेश्चन आया है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया है? वो है दोस्तों हरियाणा। कौन है? हरियाणा। सपना चौधरी याद है मेरे दोस्तों आपको, एक बड़ा फेमस गाना है उनका दोस्तों, गजवण पानी ले चली। क्या? गजवण पानी ले चली। और भाई साहब उस पर आपने जो कतई जहर डांस देखा होगा, 100% देखा होगा, मैं देख पा रहा हूं तुम्हारे कमेंट मेरे दोस्तों। ना ना ना, आज नहीं दिखाएंगे वो डांस आपको। चलिए आगे बढ़िए, हरियाणा दोस्तों इसका आंसर हो गया। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान। अब इसका मतलब क्या हुआ? पंचायत की बात करूं मेरे दोस्तों, तो याद कीजिए बलवंत राय मेहता समिति, याद आनी चाहिए तुरंत दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों अगला पॉइंट अगर आपसे पूछे, 2 अक्टूबर 1959 कहां से? नागौर से मेरे दोस्तों। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, कौन सी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। मतलब कि पंच सरपंच दोस्तों, उसके ऊपर प्रधान वाला, और फिर मेरे लाडलो जो जिला प्रमुख वाला, वो वाला हिस्सा होना चाहिए। फिर आपसे अगर पूछ ले इसके बाद में दोस्तों, आपसे पूछे 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट हो गया, बिल्कुल सही, 73वां संविधान संशोधन है, बिल्कुल सही
पकड़े हो मेरे दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन। और मेरे दोस्तों अनुसूची कौन सी है, ये अनुसूची है मेरे लाडलो शेड्यूल नंबर है 11। क्या है? 73वां संविधान संशोधन शेड्यूल नंबर 11। सबका संबंध किससे? पंचायत। क्या बात है, आपको ये भी पता है मेरे दोस्तों अनुच्छेद 40। क्या? अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायत का गठन है। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। अब आप मुझसे पूछोगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर इस बार ये सीट दोस्तों पुरुष सरपंच के हाथ में है तो अगली बार ये सीट किसके हाथ में होगी? महिला सरपंच के हाथ में होगी। तो आप बताओ मेरे दोस्तों अपने आप, मतलब कि अगर टोटल 100 सीट है, मान लेते हैं टोटल 100 सीट है, तो उसमें से दोस्तों 50 तो महिला सरपंच होंगे और 50 क्या होंगी लाडलो, ये पुरुष सरपंच होंगे। अगली बार क्या होगा? जहां पर महिला सीट थी वहां पुरुष सरपंच होगा, और जहां पुरुष सीट थी दोस्तों वहां पर महिला सरपंच होगी। टोटल मिलाकर हर बार 50% महिलाएं दोस्तों उसमें होनी अनिवार्य कर दी गई है हरियाणा के अंदर। आइए दोस्तों चलते हैं आपके हरियाणा घूमने। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों हरियाणा के बारे में, राजधानी क्या है इसके? इसकी राजधानी है चंडीगढ़। क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। सो हाई कोर्ट भी कहां पर है? यहीं पर है दोस्तों। ये हरियाणा की भी पंजाब की दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहां के मुख्यमंत्री है। फिर आपसे पूछेगा दुष्यंत सिंह चौटाला, मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना आप, ये यहां के उप मुख्यमंत्री है। क्या है दोस्तों? उप मुख्यमंत्री। बिल्कुल कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क दोनों की दोनों मेरे दोस्तों कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। दमदमा झील ये भी दोस्तों हरियाणा के अंदर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या बात है, बड़ा गर्व होता है मेरे दोस्तों तुम्हारे ऊपर मुझे कि हाँ मेहनत रंग लाई। क्या? मेहनत रंग लाई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों गुरुग्राम में है। और मैंने आपसे कहा था ना गुरुग्राम, जिसको आप गुड़गांव कहते थे मेरे दोस्तों, ये भी हरियाणा के अंदर है। कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। और ये एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय कहां पर है? भारत में स्थित दोस्तों गुरुग्राम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है लाडलो, ये आपके सामने मेरे दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री ने DRDO भवन में एसेट मिसाइल मॉडल का अनावरण किया है। एसेट से संबंधित मिशन को क्या नाम दिया गया? ये दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है साइंस का। मैंने आपको लगभग 10,000 साल पहले पढ़ाया था मेरे दोस्तों एसेट के बारे में। याद कीजिए रसगुल्लो, इसका दूसरा नाम बताता हूं मिशन शक्ति। क्या नाम है? मिशन शक्ति। और याद कीजिए एक था मेरे दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। कौन सा था? ऑपरेशन शक्ति। ये भी याद होना चाहिए आपको। ऑपरेशन शक्ति का संबंध किससे है? परमाणु परीक्षण दोस्तों, किससे है? जो पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण हुए थे ना, पोखरण के अंदर मेरे दोस्तों जो परमाणु परीक्षण हुए थे जैसलमेर में, उसका संबंध है ऑपरेशन शक्ति से। लेकिन मिशन शक्ति याद है आपको लाडलो, इसको बोलते हैं एसेट। क्या बोलते हैं? एसेट मिसाइल। कहने की बात यह है कि एसेट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एंटी सैटेलाइट। क्या है दोस्तों? एंटी सैटेलाइट। मतलब कि ये किसको उड़ाएगा? ये मेरे लाडलो उड़ाने वाला है, ध्यान रखना, सैटेलाइट को, उपग्रह को। मतलब कि उपग्रह को हवा में ही दोस्तों नस्ते नाबूद करने वाली मिसाइल को बोलते हैं एसेट मिसाइल। इतनी सी बात है दोस्तों कि हवा में क्या करना? हवा में उपग्रह को नस्ते नाबूद करना। क्या करना? हवा में उपग्रह को नस्ते नाबूद करना। ये एसेट है, मिशन शक्ति है दोस्तों। इसको हमने मार्च 2019 में, कब दोस्तों? मार्च 2019 में हमने इसका सफलतापूर्वक दोस्तों प्रक्षेपण किया, सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया ओडिशा से। कहां से? ओडिशा से ही होता है मेरे दोस्तों, मैं आपसे कह चुका हूं ओडिशा से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया। अब आप मुझे बताओ लाडलो कि ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश बना, तुम ये बताओगे मुझे, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। इसका दोस्तों एक जो मॉडल
मॉडल है वो कहां पर स्थापित कर दिया, सर इसने कौन से उपग्रह को उड़ाया? अरे सुन लो लाडलो, इसने कुछ नहीं, इसने मेरे दोस्तों 300 किलोमीटर ऊपर, कितना 300 किलोमीटर ऊपर अपना ही एक उपग्रह था दोस्तों, इसको नस्तनाबूद किया है। क्या अपना ही उपग्रह छोड़ा गया था 300 किलोमीटर ऊपर है मेरे दोस्तों ना, उसको इसने नस्तनाबूद कर दिया। तो आंसर तो हो गया इसका मिशन शक्ति। दोस्तों एक मॉडल कहां पर लगा है? डीआरडीओ भवन। अब तो मेरे दोस्तों भारत के आन बान शान डीआरडीओ की बात तो होनी ही चाहिए। चलिए बात करूं दोस्तों डीआरडीओ, बताओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इसकी स्थापना 1958 में होती है। कब? 1958 में। इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली के अंदर है, और आपसे पूछ ले कि इसके हेड कौन है दोस्तों डीआरडीओ के, सतीश रेड्डी जो है वो इसके वर्तमान में हेड है। किसके? डीआरडीओ, वलस्यम मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान होता है, ये इसका ध्येय वाक्य है। क्या ध्येय वाक्य है? देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से है मिशन शक्ति। क्या? एंटी सैटेलाइट, समझ लो एक बार फिर समझ लो। देखिए मेरे लाडलो, अगर तुमसे पूछ ले ये कोई उपग्रह दोस्तों, अगर हमें किसी, हमें दोस्तों सुरक्षा लेनी है, क्या कोई उपग्रह अगर हमारे ऊपर निगरानी रख रहा है तो हम उसे कैसे उड़ाएंगे दोस्तों? हम उसे ऐसे उड़ाएंगे, ये है हमारा एंटी सैटेलाइट। क्या लाडलो? एसेट है, और ये जाएगा सीधा नस्ते नाबूद कर देगा। क्या? इस उपग्रह को नस्ते नाबूद कर देगा। ये है दोस्तों मिशन शक्ति। ऐसा करने वाला भारत का चौथा देश बन गया, गजब मरे लाडलो। ध्यान रखना भारत जो है ऐसा करने वाला दुनिया का फोर्थ नंबर का देश बन गया है। कौन कौन इससे पहले कर चुके हैं? अमेरिका कर चुका है, रूस कर चुका है, और चीन कर चुका है। तो भारत कौन सा बना है ये भी ध्यान रखना, भारत फोर्थ नंबर का देश बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं रसगुल्लो। अगला क्वेश्चन, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा दोस्तों, हर चीज बताऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा आगे आपको क्या करना है, कब से छुट्टियां हैं, कब से वापस क्लास है, नया दोस्तों टाइम क्या है, सारी चीजें बताऊंगा। बस आप क्या रखो, थोड़ा सा दोस्तों धैर्य रख लो, और उस पसीने की हर बूंद को याद करो जिसको मोती की तरह चमकाने का काम तुम्हारा है। क्या तुम्हारा है लाडलो? सभी को जोड़ लीजिए। देखिए चाहे होली हो चाहे दिवाली हो मेरे दोस्तों, इस एक साल जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, आपने देखा होगा आपकी बराबर संघर्ष मैंने किया दोस्तों, लगभग बराबर संघर्ष किया होगा, कम तो नहीं किया, इस बात को तो लिख के दे सकता हूं। इस संघर्ष के लिए मेरे दोस्तों तुम्हें मेरे साथ में जुड़ना होगा, मेरी टीम को मोटिवेट करना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है, यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सवाल को बड़े आराम से पढ़ना मेरे लाडलो, ये सवाल गलत हो जाता है। हम सोचते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्या? और पहला ऑप्शन पता है आपको क्या होगा? 28 फरवरी होगा। क्या 100% 28 फरवरी होगा? हम दोस्तों इस पर आंसर लगाएंगे और ऐसे बोलेंगे यस आई कैन डू इट। क्या दोस्तों? हमने कर दिखाया भाई साहब, गलत हो गया। क्या गई भैंस पानी में? इसने पूछा है विश्व विज्ञान दिवस दोस्तों ये बनाते, ध्यान रखना 10 नवंबर को बनाते। कब बनाते हैं लाडलो? जो विश्व विज्ञान दिवस है मेरे दोस्तों ये बनाते हम 10 नवंबर को। अब आप मुझसे पूछोगे 10 नवंबर को क्यों बनाते हैं, कब से स्टार्ट होता है? पहला पॉइंट तो लिख लो दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है? विश्व विज्ञान दिवस किसके लिए? शांति के लिए। किसके लिए दोस्तों? शांति के लिए विश्व विज्ञान दिवस, ये इसका पूरा नाम है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। क्योंकि आपको पता है दोनों में ही दोस्तों किसका सबसे बड़ा योगदान है, वर्तमान में विज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है। चाहे शांति स्थापित करनी हो हथियार दोस्तों, दूसरा विकास करना हो, आप देख रहे हो मेरे लाडलो विज्ञान का योगदान है। तो शांति और विकास में विज्ञान की भूमिका को निर्धारित करने के लिए विश्व विज्ञान दिवस बनाया गया। ये मेरे दोस्तों क्योंकि कौन बनाता है इसको, नोट कर लेना, इसको बनाता है यूएन, यूनेस्को। कौन बनाता है? यूनेस्को बनाता है, और यूनेस्को से याद आना चाहिए आपको। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस के अंदर स्थित है। और दोस्तों सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की
किस शहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया? 5 फरवरी 2020 मेरे दोस्तों सर्टिफिकेट मिलता है किसको? जयपुर के परकोटे को मिलता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जयपुर का जो परकोटा है इसको मिलता है सर्टिफिकेट 5 फरवरी 2020 को। और दोस्तों यूनेस्को ने स्टार्ट किया विश्व विज्ञान दिवस। अब रसगुल्लो आपसे पूछे इसकी घोषणा कब होती है? 2001 में दोस्तों इसकी घोषणा होती है और 2002 से ये दोस्तों लगातार बनाया जा रहा है। पहली बार कब बना? 2002 में पहली बार बना। और बताइए इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है रसगुल्लो? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बताऊंगा, रुक जाओ दोस्तों। सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कोविड-19। किससे लड़ना है दोस्तों? साइंस को कोविड-19 से लड़ना है। तो इसकी थीम में कहीं ना कहीं क्या आएगा? कोविड-19 आएगा। इसमें कोई याद नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरे दोस्तों इसकी थीम में आपको ध्यान रखना है, कोविड-19 का आना कंपलसरी है, अनिवार्य है, क्योंकि इसी से कौन लड़ रहा है वर्तमान में? विज्ञान लड़ रहा है। अब देखते हैं इसकी थीम है क्या। देखिए दोस्तों इसकी जो थीम है, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19। मतलब कि जो साइंस है दोस्तों वो समाज के साथ है, किससे लड़ने के लिए? कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो मैंने भी तो आपसे यही कहा कि दोस्तों जो विज्ञान है इसका उद्देश्य वर्तमान में क्या है कि हम डील कर सके किससे? कोविड-19 से, अपने समाज के लिए। इस बार की दोस्तों ये इस बार की थीम है और यही थीम होना क्या है लाडलो? अनिवार्य था। यही थीम होना दोस्तों सही भी था, कोविड-19 का दौर है। चलिए दोस्तों अब मैं लेकर चलता हूं आपको कहां पर? अब चलते हैं हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर। किस पर दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, इसको भी नोट करेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सर आप बढ़िया पोस्टमार्टम करते हो। दोस्तों पोस्टमार्टम बड़ा जरूरी है। देखिए कभी कभी क्या होगा, करंट का क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन स्टैटिक जीके आ जाएगी। ये दोस्तों दोनों की दोनों ही आप, हमें पेपर पास करना है, हमें कोई मतलब नहीं इससे, करंट आए स्टैटिक आए, अपना तो क्वेश्चन आना चाहिए और पेपर दोस्तों अपना नस्ते नाबूद होना चाहिए। हमें दोस्तों वर्दी लेनी है, हमें दोस्तों सितारे चाहिए, हमें रेलवे पार करना है, हमें पटवारी बनना है मेरे लाडलो, हमें करंट अफेयर्स स्पेशलिस्ट नहीं बनना। क्या? बिल्कुल नहीं बनना दोस्तों, हमें तो पेपर को उसकी औकात दिखानी है। चलिए बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाते हैं? 28 फरवरी को बनाते हैं मेरे भुजे हुए चूनो, 28 फरवरी को बनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों बनाते हैं? सीवी रमन दोस्तों किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की सीवी रमन ने। और इसके लिए दोस्तों इन्हें क्या मिलता है? इन्हें मिलता है नोबेल पुरस्कार। क्या मिलता है? इन्हें मिलता है नोबेल पुरस्कार। तो ध्यान रखना है लाडलो, सीवी रमन, रमन प्रभाव, नोबेल पुरस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब से स्टार्ट होता है? 1986 से ये दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस स्टार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च कर दिया? बताओ लाडलो कौन कर सकता है ऐसा काम? एक ही तो देश है मेरे दोस्तों, वो है कौन? जो हड़पने की नीति पर है, ड्रैगन दोस्तों। कौन है? बिल्कुल सही, चाइना। किसने किया है? चीन ने मेरे दोस्तों 6G। भाई साहब 6G, हम तो लाडलो 4G में लटक रहे। क्या 4G में लटक रहे? और अपना 4G तो मेरे दोस्तों 3G की तरह चलता है। क्या? कभी कभी तो वो गोल गोल जो घूमता है ना मेरे लाडलो, इतना गुस्सा आता है कभी कभी तो उसके ऊपर। पहले सोचिए क्या जमाना था मेरे दोस्तों, एक फोटो को डाउनलोड करने में 2 मिनट लगती थी। क्या 2 मिनट लगती थी? और अपन दोस्तों ऐसे खाली थे, बिल्कुल बैठे रहते थे। अब देखिए लाडलो, एक वीडियो को डाउनलोड होने में 2 मिनट लगती है। ये वो समय आने वाला है जब एक मूवी मेरे दोस्तों 1 सेकंड में खत्म। क्या 1 GB 1 सेकंड में दोस्तों डाउनलोड होगा। सोचिए क्या गजब का समय आने वाला है। तो मेरे दोस्तों जो 6G है, ये उपग्रह किसने लॉन्च कर दिया? चीन ने ये उपग्रह लॉन्च कर दिया। अभी हाल ही में दोस्तों चीन ने बहुत सारे उपग्रह लॉन्च किए एक साथ में, उसमें से एक कौन सा? एक 6G का उपग्रह था। 13
15 दोस्तों लॉन्च किए थे, उसमें से एक 6G का उपग्रह। कहां से लॉन्च किए? सांक्सी प्रांत से लॉन्च किए। कहां से? सांक्सी प्रांत से लॉन्च किए। अब मैं बात करूं दोस्तों, 6G जो है ये 5G की तुलना में कितना अधिक तेज होगा, तो लिख लो 100 × 5G = 6G। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 5G की तुलना में सोचकर देखो 100 गुना अधिक। अपना तो मेरे दोस्तों 4G लटक रहा है। क्या 4G लटक रहा है अपना? ये भाई साहब 6G का उपग्रह छोड़ चुका है, तो ध्यान रखना 5G की तुलना में 100 गुना अधिक होगा ये दोस्तों 6G। जी का मतलब तो पता है जनरेशन होता है। क्या होता है? जी का मतलब होता है दोस्तों जनरेशन, पीढ़ियां। क्या होती है? पीढ़ियां। जैसे पहले 1G था, फिर 2G था मेरे दोस्तों। सोचकर देखो, पहले केवल आप क्या करते थे? केवल बात करते थे दोस्तों, फिर आप टेक्स्ट मैसेज करने लग गए, फिर दोस्तों याद कीजिए आप जो है वो वीडियो इंटरनेट चलने लग गया आपके मोबाइल में, फिर लाडलो आपके मोबाइल से आप इंटरनेट कॉल करने लग गए। क्या? व्हाट्सएप कॉल दोस्तों। कौन सा कॉल आया? व्हाट्सएप कॉल आ गया। अब दोस्तों ऐसे ही क्या हो रहा है, जनरेशन मेरे दोस्तों आगे बढ़ रही है। क्या? स्पीड तेज हो रही है। क्या हो रही है? स्पीड तेज हो रही है। और अब है 6G का जमाना दोस्तों। चीन ने लॉन्च कर दिया है उपग्रह। आइए बात करते हैं चीन के बारे में लाडलो। आइए चलते हैं कहां पर? चीन घूमने चलते हैं। बड़े दिनों के बाद बारी आई है चीन की दोस्तों। देखिए अगर आपसे पूछ ले चीन के बारे में, किसके बारे में? चीन के बारे में, तो मेरे दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से विश्व में पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है दोस्तों चीन। कौन? चीन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? देखिए इसकी राजधानी तो बीजिंग है। क्या है दोस्तों? बीजिंग। लेकिन इसकी वाणिज्यिक राजधानी, इसकी कमर्शियल कैपिटल क्या है दोस्तों? इसकी कमर्शियल कैपिटल है संघाई लाडलो। क्या है? संघाई। नाम तो सुना होगा। इसी दोस्तों चीन के अंदर ध्यान रखना, चीन की मुद्रा क्या है लिख लीजिए। इसकी मुद्रा है दोस्तों युवान या फिर रेमेनबी। कौन सी है? युवान या फिर रेमेनबी। और मेरे लाडलो सी जिनपिंग, वो छोटी छोटी आंखों वाले ना मेरे दोस्तों, सी जिनपिंग जो है वो मेरे दोस्तों यहां के क्या है? वो यहां के ध्यान रखना राष्ट्रपति है सी जिनपिंग। आपसे पूछे कितनी पार्टी है चीन में? एक ही पार्टी है मेरे दोस्तों। क्या? एक ही पार्टी है। चुनाव होता है, अब आप बताइए मुझे, एक ही पार्टी हो दोस्तों और चुनाव भी हो तो क्यों, कौन जीतने वाला है? मेरे लाडलो यही जीतने वाला है। तो कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी दोस्तों? कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी है, साम्यवादी पार्टी है। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? इसी चीन में मेरे लाडलो एक नदी है, इसका नाम क्या है? यांग टीसी नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यांग टीसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है मेरे दोस्तों यांग टीसी नदी। नोट कर लेना, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी नदी, जो चीन के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों? चीन के अंदर। भारत और चीन मेरे लाडलो, इनके बीच में कौन सी सीमा है? मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। और भारत और चीन के मध्य एक युद्ध अभ्यास होता है हैंड इन हैंड दोस्तों। कौन सा है? हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास। और 1954 में भारत और चीन के मध्य दोस्तों जब बोलते थे ना हिंदी चीनी भाई भाई, क्या हिंदी चीनी भाई भाई, उस समय समझौता हुआ था पंचशील समझौता। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1954 में पंचशील समझौता। क्या दोस्तों? पंचशील समझौता, हिंदी चीनी भाई भाई। क्या? पर दोस्तों धोखेबाज है। कौन है धोखेबाज? पीछे से हमला करता है कौन? ये ड्रैगन दोस्तों, चाइना। चलिए अच्छा देखिए, आप कितनी सारी जानकारी आपको एक सवाल में दोस्तों देखने को मिली, यही तो खूबसूरती है अपने परिवार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान ने 2021 से मानसून के पूर्वानुमान के साथ किस बीमारी को लेकर पूर्वानुमान प्रेडिक्शन करने की घोषणा की है? सुन लो, 2021 से मेरे दोस्तों मानसून के साथ में, जैसे मानसून का पूर्वानुमान होता है ना कि इस साल मानसून अच्छा रहने वाला है, इस साल मानसून कमजोर रहने वाला है, ऐसे घोषणा होती है ना, ऐसे दोस्तों अब यह भी घोषणा होगी कि इस साल मलेरिया मेरे दोस्तों इतना बढ़ने वाला है, इतना बढ़ सकता है, इतना कम हो सकता है, इस क्षेत्र में अधिक हो सकता है। कुल मिलाकर के जो मलेरिया है लाडलो,
इस मलेरिया के पूर्वानुमान अगले वर्ष से स्टार्ट होने वाला है। क्या मलेरिया का पूर्वानुमान अगले वर्ष से स्टार्ट होने वाला है? पूरे विश्व के 85% दोस्तों कहां पर है? भारत में है मलेरिया के मरीज 85%। सोच लीजिए कितनी भयानक बीमारी है। और आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, बुखार जो होते हैं मौसमी बुखार होते हैं, जैसे मेरे लाडलो टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, एक निश्चित समय में ही सामने आते हैं। अगर हम पहले ये सोच ले कि भाई इस समय मलेरिया बढ़ने वाला है, तो मेरे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, काउंटर अटैक कर सकते हैं मलेरिया को रोकने के लिए। इसीलिए आपसे कह रहा हूं पूर्वानुमान करेंगे मलेरिया का। आइए बात करते हैं, हमने दोस्तों मलेरिया को खत्म करने का टारगेट कब रखा है? 2030। क्या है दोस्तों हमारा मलेरिया उन्मूलन टारगेट? कितना है वो? है 2030 है। अगर मलेरिया पूछे मेरे लाडलो रिया, अरे छोड़ दो रिया को मेरे दोस्तों, रिया से क्या बना? रिया से बना दोस्तों रोना। तो रोनाल्ड रोज, क्या है दोस्तों रोनाल्ड रोज का संबंध किससे है? मलेरिया से। फिर आपसे पूछेगा मलेरिया किससे होता है? तो दोस्तों प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। किससे? प्लाज्मोडियम, इस पर स्टार लगा लो रसगुल्लो, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। लेकिन मेरे दोस्तों जो एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ना, वो किसके ऊपर होता है वो ध्यान रखना मेरे लाडलो। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है वो मेरे दोस्तों एक मक्खी के ऊपर, एक मच्छर के ऊपर होता है, मादा एनाफिलीज। क्या नाम है? इसका नाम है रसगुल्लो मादा एनाफिलीज। तो ध्यान रखना इसको ले जाने वाला कौन है? ये तो है दोस्तों वाहक। क्या है? वाहक है मादा एनाफिलीज। और रोग का जनक कौन है? रोग का कारक कौन है? ध्यान रखना ये तो मेरे दोस्तों वेक्टर है, वाहक है, वेक्टर है। मतलब कि ये तो दोस्तों जब हम हमारे क्या करेंगे, हमें खाएगा ना दोस्तों, ये मच्छर जो है मादा है। क्या है लाडलो? मादा है। जब ये खाएगा ना, खाएगी ना दोस्तों, क्या जब ये खाएगी, जब खून चूसेगी ना, तो क्या होगा रसगुल्लो? तब मेरे दोस्तों ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ये हमारे शरीर में चला जाएगा, हमको क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा मेरे दोस्तों। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है भाई साहब कुनेन। क्या है? कुनेन आपने सुना होगा। कुनेन जो है वो किसका इलाज है? मलेरिया का इलाज है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस मेरे दोस्तों। कुछ याद आ रहा है? लीवर में सूजन, लीवर खराब। और याद करो मेरे लाडलो, अभी हाल ही में 2020 का नोबेल पुरस्कार राइस, अल्सर, हगटन और दोस्तों लीवर खराब, बोलो मां के बिहारी लाल की जय। लाडलो चेचक के बारे में मैंने पढ़ाया जरूर दोस्तों, और एग्जाम में पूछा भी गया, चेचक के बारे में पूछा गया दोस्तों एडवर्ड जेनर। क्या? चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की मेरे दोस्तों। और ये पहला टीका था जो बनाया गया था भारत विश्व के अंदर, एडवर्ड जेनर का चेचक का टीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वो है, हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य शांति समझौता हस्ताक्षरित किया गया, यह समझौता संपन्न कराने में किस देश ने मध्यस्थता की? राजूरी टीम एक बार कमेंट दिखाए। आज राजूरी टीम मेरे दोस्तों बड़ी खुश है। क्या? बड़ी खुश है, उसे रसगुल्ला भी मिलेगा मेरे दोस्तों, और भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, मैं दिखाऊंगा आपको दोस्तों। मैंने सोचा इनकी पोल खोल देनी चाहिए, तो चिंता मत कीजिए, क्लास के अंत में मेरे दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आपको ऐसा फील होगा जैसे मेरे दोस्तों स्कूल में आए हो। कहां पर आए हो? स्कूल के अंदर आए हो। चलिए मेरे लाडलो, बिल्कुल शिवांशी, सुरेश, मयंक, खुशबू, करती, हेमंत, बापू की शेरनी, क्या बात है, ये दिल को छू गया मेरे दोस्तों। परी नहीं, शेरनी है। क्या है? बापू की शेरनी है। बिल्कुल मेरे लाडलो, कट ऑफ कितनी रहेगी? अरे एक बार ढंग से नंबर लिया, कट ऑफ की चिंता ही नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं, हाल ही में आर्मेनिया अजरबैजान, ये तो हमने पढ़ा है मेरे दोस्तों, याद कर लो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच की लड़ाई। और मैंने आपको कहा था एक क्षेत्र है दोस्तों नारगोम कारबाग क्षेत्र, मैंने कहा था उस क्षेत्र के लिए दोनों के बीच में खूनी संघर्ष दोस्तों जारी था, युद्ध जारी था,
था, कितने मासूमों की जान गई मेरे दोस्तों इस संघर्ष में। अब अंत में क्या हो गया, रूस ने दोस्तों शांति समझौता करवा दिया। किसने? रूस ने इनके बीच में शांति समझौता करवा दिया और यह समझौता लागू भी हो गया। क्या मेरे दोस्तों? समझौता करवा भी दिया है और समझौता जो है मेरे दोस्तों ये लागू भी हो चुका है। नोट कर लेना 10 नवंबर से। क्या? तो ये समझौता है ना, ये 10 नवंबर से मेरे दोस्तों लागू भी हो चुका है। पहले हम विवाद को समझ लेते हैं, कुछ नए साथी भी होंगे तो पहले विवाद समझिए, फिर दोस्तों आपको यहां पर लाऊंगा। देखिए ये लाडलो आपके मैप है, इसमें समझिएगा यहां पर रूस स्थित है, यहां पर दोस्तों पानी है। क्या है? हाँ ब्लू है, पानी पानी। ये कैस्पियन सागर है। कौन सा है दोस्तों? ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर तो आपको पता होगा ना, विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है दोस्तों? विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो है कैस्पियन झील दोस्तों, खारे पानी की झील है। इस कैस्पियन सागर से सीमा किसकी बनती है? अजरबैजान। और अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। सही पकड़ा है, गजब का आंसर दिया है मेरे दोस्तों। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। क्या है? बाकू। अब होता क्या है दोस्तों, एक स्थान है यहां पर अजरबैजान और यहां पर है आर्मेनिया। कौन सा देश है? आर्मेनिया। एक्चुअली में मेरे लाडलो इन दोनों के बीच में एक स्थान है जिसको बोलते हैं नारगोन कारबाग क्षेत्र। क्या बोलते हैं? नारगोन कारबाग क्षेत्र। और मेरे दोस्तों जो नारगोन कारबाग क्षेत्र है ना, ये विवादित है। कारण क्या है? ये सीमा में तो किसकी में आता है? अजरबैजान की सीमा में आता है दोस्तों ये नारगोन कारबाग क्षेत्र। लेकिन यहां पर किस मूल के अधिक लोग हैं? आर्मेनिया मूल के अधिक लोग हैं। सुनना, ये सीमा में किसकी में आता है दोस्तों? ये जो सीमा है ये सीमा में आता है मेरे लाडलो अजरबैजान की में। लेकिन अगर आपसे पूछे किस मूल के अधिक लोग रहते हैं दोस्तों, तो आर्मेनिया मूल के यहां पर अधिक लोग रहते हैं। तो इस पर कब्जा दोस्तों, इस पर दावा कौन करता है? इस पर दावा करता है कौन? आर्मेनिया। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में जंग छिड़ गई। क्या? जंग छिड़ गई। अब दोस्तों क्या होता है, जब लड़ाई होती है ना दो पड़ोसियों के बीच में, क्या होगी? लड़ाई होगी ना, देखना। और जो आसपास वाले पड़ोसी होते हैं ना, वो दोस्तों आग में घी डालते हैं। क्या? आग में घी डालते हैं। दो गुट बन जाएंगे और आपस में दोस्तों धुआं धुआं करेंगे। ऐसा ही मेरे लाडलो इनके बीच का जो संघर्ष है, इसमें मेरे दोस्तों रूस भी कूद गया, तुर्की भी कूद गया, सब इसमें कूद गए। अंत में दोस्तों अब क्या हुआ है, जब इतने लोगों की जान चली गई तब हुआ है समझौता। क्या हुआ है? समझौता हुआ है। और समझौता किसने करवाया दोस्तों? ये करवाया है रूस ने। किसने करवाया है? रूस ने। और रूस ने समझौते में पता है आपको क्या लिखवाया है? ये लिखवाया है मेरे लाडलो कि जो नारगोन कारबाग का जो क्षेत्र है जिस पर अजरबैजान ने लड़ाई के समय कब्जा कर लिया, वो उसी का होगा। क्या? वो उसी का होगा। तो नोट करना दोस्तों, समझौते में है कि लड़ाई के दौरान, किसके दौरान? लड़ाई के दौरान जिस हिस्से पर अजरबैजान का कब्जा है, किसका है? अजरबैजान का कब्जा मेरे दोस्तों, वो हिस्सा किसका है? वो हिस्सा अजरबैजान का होगा। आर्मेनिया अपनी सीमा हटाएगी। क्या दोस्तों? आर्मेनिया अपनी जो सेना है वो यहां से हटा लेगी और जो युद्ध में बंदी थे दोस्तों उनको फ्री कर दिया जाएगा। ये समझौता हुआ है इनके बीच में मेरे लाडलो। इसको आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री है आर्मेनिया में, इसको दर्दनाक समझौता कहा गया। क्या? दर्दनाक समझौता कहा गया। यहां तक दोस्तों आर्मेनिया में इतना विरोध हुआ, स्पीकर को मेरे दोस्तों तो दौड़ा दौड़ा कर मारा। क्या? स्पीकर को दौड़ा दौड़ा करके मारा। ये दोस्तों सारी कहानी थी जो मैंने आपको समझा दी। आगे बढ़ते हैं रसगुल्लो, कब से लागू होगा? 10 नवंबर से ये समझौता लागू हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लाडलो, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर पांचवां इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया? जितने भी भविष्य में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन तैयार हो गया। इंडियन प्रीमियर लीग दोस्तों मनोरंजन का बाप समाप्त हो चुका है। किसने जीता? शर्मा जी के लड़के ने जीता। तो दोस्तों जो इंडियन प्रीमियर लीग है ये कौन सा सीजन था? ये था इसका 13वां सीजन। पहला सीजन कब हुआ? 2008 में होता है। कौन जीता मेरे दोस्तों? राजस्थान रॉयल्स जीता। कौन जीता? राजस्थान रॉयल्स पहला सीजन जीत गया। महारो राजस्थान मेरे दोस्तों पहला सीजन जीता। फिर आपसे पूछेगा इस बार का जो आयोजन है इसमें लाडलो
दोस्तों कौन स्पॉन्सर था, वो था ड्रीम इलेवन। क्या मेरे दोस्तों, इसमें जो स्पॉन्सर था वो ड्रीम इलेवन था। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी को पता है, अरे मैं सुदर्शन चक्र फेंक के मारूंगा लाडलो, इतनी दिलचस्पी मत दिखाओ दोस्तों क्रिकेट के अंदर। किसके अंदर? क्रिकेट के अंदर। आइए लाडलो टीम किसी और को बना दे दो, हम तो पढ़ाई कर लें। क्या हम पढ़ाई कर लें? क्योंकि दोस्तों हमारा सब कुछ तो यही है। क्या हमारा सब कुछ दाब पर है इसके पीछे? तो हमें भी जमकर पढ़ना पड़ेगा। दिवाली है दोस्तों, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने हूं केवल तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे संघर्ष के लिए। पूरी टीम मेरे साथ में तुम्हारे लिए लगी हुई है। देखिए अगर आपसे पूछे दोस्तों 2020 का स्पॉन्सर ड्रीम इलेवन हो गया, किस किस के बीच में फाइनल होता है? अरे मुंबई के बीच में होता है बबुआ, और किसके बीच में होता है? ये होता है दिल्ली के बीच में। किसके? दिल्ली के बीच में। कौन जीता? मुंबई जीत गया दोस्तों। कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा, शर्मा जी के लड़के थे अपने कप्तान। और दिल्ली के कप्तान कौन है? श्रेयस अय्यर। कौन है दोस्तों? श्रेयस अय्यर जो है वो दिल्ली के कप्तान। जीता कौन है? मुंबई जीत गया। कौन सी बार जीता है? पांचवी बार दोस्तों। अब तक सबसे अधिक बार कौन जीता है? वो भी मुंबई जीता है। इसके बाद में दूसरे पर कौन जीता है? चेन्नई सुपर किंग तीन बार। क्या लाडलो? महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग तीन बार। तो इसका आंसर तो क्या हो गया? इसका तो आंसर हो गया दोस्तों किसको हराकर जीता है? दिल्ली को हराकर जीता है। अब देखिए कुछ इसमें खिताब है जो बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए दिवाली की धुआं धुआं है भाई साहब। ऐसे ही मेरे दोस्तों जब सिलेक्शन होगा ना आपका, सिलेक्शन होगा, सगाइयां होंगी मेरे दोस्तों, फिर शादी होगी आपकी, तो कुछ ऐसे ही मेरे दोस्तों क्या चलेंगे, एकदम फटाके चलेंगे मेरे लाडलो। जश्न मनाया जाएगा आपकी शादी का। क्या? आपकी शादी का जश्न बनाया जाएगा। कितना सुंदर लग रहा होगा सोचने में मेरे दोस्तों, एकदम कतई जहर वाली फीलिंग आ रही होगी। थप्पड़ मारू फेंक के दोस्तों, चुपचाप पढ़ लो तब ये पल आएगा। देखिए अगर मैं बात करूं आपसे मेरे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी, कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड, मुंबई इंडियंस को कितना पैसा मिला है? इसको मिला है 20 करोड़। आपको पता ही है टीम किसकी है दोस्तों? मुकेश चच्चा की है। किसकी है? अपने मुकेश चच्चा की है। उसका क्या होगा मेरे लाडलो 20 करोड़ से? क्या फिर भी मान लीजिए 20 करोड़ रुपया इनामी राशि है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, पर्पल कैप किसको मिली है और ऑरेंज कैप किसको मिली है? दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जिसने गेंदबाजी की है, क्या जो बॉलर है मेरे लाडलो, उसको मिलती है पर्पल कैप। और दोस्तों जो आपके बैट्समैन है, जो आपके बल्लेबाज है, उसको मिलती है क्या लाडलो? बल्लेबाज को मिलती है ऑरेंज कैप। पर्पल कैप किसको मिली है? अरे रगाड़ा नहीं दोस्तों, रगड़ा नहीं, रवाड़ा। क्या है? रवाड़ा मेरे लाडलो। अरे रगड़ा नहीं है। क्या? रगड़ा नहीं है मेरे दोस्तों, रवाड़ा है। कौन है? रवाड़ा। इसको मिला है पर्पल कैप। और दोस्तों जो केएल राहुल है, केएल राहुल पूरा नाम लेना है, केएल राहुल दोस्तों, ये मिला है ऑरेंज कैप। क्योंकि राहुल तो बहुत है ना रसगुल्लो, केएल राहुल जो है इसको मिला है ऑरेंज कैप। किसके हैं दोस्तों? केएल राहुल जो है ये पंजाब किंग 11 का है। और दोस्तों जो रगाड़ा है ये ध्यान रखना दिल्ली के है, कहां के? दिल्ली की टीम से खेलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इमर्जिंग प्लेयर का देवदत्त पडिक्कल को मिला है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ये सवाल आता है हर बार एग्जाम में दोस्तों, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जोफ्रा आर्चर को मिला है। किसको मिला है? जोफ्रा आर्चर को मिला है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये आपके सामने पूरी लिस्ट है, किसने कब कब दोस्तों जीता है, पर जो काम की बात थी वो आपको बता दिए। अरे भाई साहब लिस्ट मैंने दे दी है, देख लेना किसने कब जीता है। सर लड्डू कब खिलाओगे? किस बात के लड्डू खाओगे? रसगुल्ला तुमको खिलाना है क्या? सरिता कुमार, प्रवीण दोस्तों, लव कुमार, विशाल सर बताइए राजूरी टीम को क्या मिलेगा, छुट्टी कब से होंगे? अरे रुक जाओ रसगुल्लो, थोड़ी देर और रुक जाओ मेरे साथ में, सब कुछ पता लग जाएगा। सुनिए भारत सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। यहां OTT है। अब दोस्तों देखिए इसकी तो फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। क्या है? ओवर द टॉप। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। मिर्जापुर देखिए मेरे दोस्तों, आप सबने देखी होगी क्या? नेटफ्लिक्स का यूज सबने किया होगा, अमेजोन का यूज दोस्तों सबने किया होगा, खूब मूवी देखी होंगी,
खूब वेब सीरीज देखी होंगी, क्या खूब वेब सीरीज देखी होंगी। अरे मेरे रसगुल्लो, ये सब ओवर द टॉप के अंदर आती है, मतलब कि जिसके लिए सेंसर बोर्ड से अनुमति नहीं लेनी पड़े, सीधा दोस्तों आपके मोबाइल में घुस जाए, क्या सीधा आपके मोबाइल में घुस जाए, जिसके लिए सेंसर बोर्ड से अनुमति की जरूरत नहीं है दोस्तों, सीधा उपलब्ध हो जाए आपको, सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं है। जैसे कि लाड लो नेटफ्लिक्स, क्या है नेटफ्लिक्स, जितनी भी दोस्तों ये वेब सीरीज आई है, नेटफ्लिक्स हो या फिर मेरे लाड लो आपके अमेजोन हो, कौन हो अमेजोन हो, जितनी भी है, उल्लू भी आती है दोस्तों, क्या उल्लू भी आती है, अमेजोन भी है, नेटफ्लिक्स है, सब दोस्तों ये क्या है ओवर द टॉप है, सीधे क्या होती है मोबाइल में आती है, इनके लिए सेंसर बोर्ड की जरूरत नहीं है। अब चर्चा में क्यों आया है, चर्चा में इसलिए आया है मेरे दोस्तों, अब ध्यान रखना, अब ऑनलाइन जो कंटेंट है, क्या है दोस्तों ऑनलाइन जो कंटेंट है, या फिर जैसे मेरे लाडलो ऑनलाइन करंट अफेयर्स है, क्या ये इन सब पर अब रेगुलेशन होगा, क्या इस अमेजोन नेटफ्लिक्स इन पर दोस्तों अब क्या होने वाला है, रेगुलेशन होगा, विनियमन होगा, इन पर अब कंट्रोल होगा, किसका, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नोट करना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है मेरे दोस्तों इन पर क्या होने वाला है, इन पर मेरे लाडलो ध्यान रखना, इनका रेगुलेशन होने वाला है सूचना प्रसारण मंत्रालय। भोकाल सीरीज, अरे भाई साहब भोकाल है, मिर्जापुर है, बहुत सारी है दोस्तों, हाँ आश्रम भी है, क्या है दोस्तों आश्रम भी है, बहुत सारी है लाडलो, अब पढ़ लो मेरे साथ में, है ना, पढ़ लो, मुझे भरोसा है तुमने सारी निपटाई है, क्या तुमने सारी चुन चुन के निपटाई है, अब पढ़ लो दोस्तों, अमेजोन नेटफ्लिक्स जितने भी है दोस्तों ये ओवर द टॉप, इन सबको किसके अंडर लाया गया है, इन सब पर रेगुलेशन है दोस्तों, किसका, सूचना प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रपति ने ये अधिसूचना जारी की है। अब आप कहोगे राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद में ये शक्ति मिली, तो अनुच्छेद नंबर 77 लिख लो दोस्तों, ये किसने जारी किया है, प्रेसिडेंट ने जारी किया है, और शक्ति किससे मिलती है, अनुच्छेद नंबर 77 से मिलती है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति दोस्तों कार्यों का बंटवारा मंत्रियों को कर सकता है, क्या मंत्रियों को कर सकता है, ये साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 77 के अंदर। तो राष्ट्रपति ने अधिसूचना किस अनुच्छेद के द्वारा 77 की शक्ति को यूज करते हुए मंत्रालय को सौंप दी, किसको, सूचना प्रसारण मंत्रालय को, और लाडलो नेटफ्लिक्स अमेजन ये तो एग्जांपल है ना, कुल मिलाकर ध्यान रखना ओवर द टॉप जितने भी हैं, जो सीधे दोस्तों ऑनलाइन कंटेंट है, ऑनलाइन सामग्री है दोस्तों, कुछ भी डिजिटल कंटेंट है, उस पर कंट्रोल होगा। अभी तक क्या था, इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था, प्रिंट मीडिया पर कंट्रोल है दोस्तों, जो आपका न्यूज़पेपर है आपने देखा होगा उस पर क्या है, कंट्रोल होता है, ध्यान रखना प्रिंट मीडिया पर कंट्रोल है, किसके ऊपर, प्रिंट मीडिया पर कंट्रोल है मेरे दोस्तों, जो टेलीविजन है आप जानते हो उस पर सेंसर बोर्ड है, क्या जो फिल्में आती है दोस्तों सिनेमा हॉल के अंदर उन पर किसका, सेंसर बोर्ड का क्या होता है मेरे लाडलो, सुनते होंगे ना, सेंसर बोर्ड ने इस सीन के ऊपर कैंची चलाई, क्या कैंची चलाई, तो वही है दोस्तों। लेकिन जो ये ऑनलाइन जो आ रहा है ना ओवर द टॉप सीधे मोबाइल में, उस पर किसी का दोस्तों कंट्रोल नहीं था, सरकार ने कहा कि गलत झूठी अफवाहें ना फैलाई जाए मेरे दोस्तों, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनको लाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि रेगुलेशन होना चाहिए, और रेगुलेशन तो दोस्तों होना भी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना जो फिल्में होती है ना वो समाज का दर्पण होती है, क्या दोस्तों समाज का दर्पण होती है। आप सोचिए मेरे लाडलो, हम सबसे अधिक किससे प्रभावित हो रहे हैं, सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं, और सोशल मीडिया पर अगर 10 बार एक झूठ को चलाया जाएगा तो वो इतना आगे फैलता है दोस्तों कि वो सच लगने लगता है, क्या सच लगने लगता है, इसलिए रेगुलेशन होना चाहिए मजबूत वाला, क्या दोस्तों मजबूत वाला रेगुलेशन होना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 11 नवंबर से ध्यान रखना ये अधिसूचना जारी कर दी गई है, कब से, 11 नवंबर से, करंट अफेयर्स वाले भी इसमें आएंगे, क्या लाडलो नोट कर लेना, उपलब्ध समाचार करंट अफेयर्स सामग्री को सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में लाने का फैसला किया गया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, रसगुल्लो
आइए क्वेश्चन नंबर 10, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं जिनके लिए हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है। दोस्तों आ जाओ रिंकिया के पापा की नगरी में चलते हैं और नीतीश बाबू मेरे दोस्तों फिर क्या ले गए, फिर ले गए जीतकर नीतीश बाबू और मेरे लाडलो जो महागठबंधन था, क्या महागठबंधन। आप देखना कुछ बातें आपको ऐसी पता लगेंगे, आप सोचोगे यार गजब कर दिया क्या तेजस्वी ने, मेरे दोस्तों गजब ढा दिया, थोड़ी कमी रह गई लेकिन फिर भी आप देखिए बीजेपी ने दोस्तों कमाल कर दिया, क्या कमाल किया। एक्चुअली में बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं मेरे लाडलो, कुल सीट कितनी है 243, 240 सीट पर इलेक्शन होते हैं मेरे दोस्तों। ये जो इलेक्शन का जो रिजल्ट था आपने देखा होगा देर रात्रि में आया, देर रात्रि क्या सुबह तक आया मेरे दोस्तों इसका रिजल्ट। अब सुनना 243 सीट में से जो एनडीए है दोस्तों, कौन सा जो एनडीए है जिसके अंदर कौन है, जिसके अंदर दोस्तों बीजेपी है, इसको मिलती है 74 सीट। कितनी 74। इसी में है दोस्तों जनता दल यूनाइटेड, कौन सा है जनता दल यूनाइटेड, जदयू दोस्तों कौन है नीतीश कुमार वाले, कौन है नीतीश कुमार वाली पार्टी यही है। इसमें मेरे लाडलो नोट कर लेना आप, इसको मिली है आपके लगभग 40 प्लस सीटें मिली है। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों एग्जैक्ट 43 सीटें इसको मिली है। मतलब आप देखिए मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहे हैं दोस्तों, नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं, कौन नीतीश कुमार। लेकिन अब की बार सुपड़ा साहब किसका हो गया, जनता दल यूनाइटेड का हो गया, केवल 43 सीट मेरे दोस्तों। लंका किसने बचा, लंका बचा ली अब की बार बीजेपी ने, क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया है 74 सीट का। अगर आपसे पूछे दूसरी तरफ कौन है, इसको मिली है दोस्तों 125 सीट मिली है एनडीए को। दूसरी तरफ है मेरे दोस्तों महागठबंधन, कौन है महागठबंधन, इसको मिली है 110 सीट, क्या 110 सीट। अब सुनना इसमें मेरे दोस्तों जो एक पार्टी है राजद, कौन सी है राजद, लालटेन वाली मेरे लाडलो, समझ चुके होंगे लालटेन वाली लालू प्रसाद यादव, क्या मेरे दोस्तों लालू प्रसाद यादव लालटेन वाली पार्टी राजद पार्टी। तेजस्वी यादव दोस्तों इसमें क्या थे उम्मीदवार थे, किसके मुख्यमंत्री के, इसकी सबसे अधिक सीट वाली पार्टी पूछ लेना बिहार में तो वो है दोस्तों राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो ये आपके राजद पार्टी है। ये ध्यान रखना इस पॉइंट को, इसको मिली है 75 सीट। सबसे अधिक सीट किस दोस्तों दल को मिली है तो वो दल है राजद। किस गठबंधन को मिली है तो गठबंधन है मेरे दोस्तों एनडीए। बहुमत का आंकड़ा कितना होगा 50% प्लस वन का होगा, कितना होगा 50% प्लस वन का होगा। और दोस्तों ये बहुमत का जो आंकड़ा है उसको पार कर चुकी है कौन एनडीए, कौन दोस्तों बीजेपी दोस्तों, और साथ में जो जदयू है इसका गठबंधन इसको पार कर चुका है। और साथ में ध्यान रखना आप राजद सबसे बड़ी पार्टी है, तेजस्वी प्रसाद यादव मेरे दोस्तों क्या है इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन मेरे लाडलो क्या हुआ रात में किसने बचा लिया, बीजेपी ने बचा लिया दोस्तों, और सरकार बन गई है किसकी नीतीश बाबू की, वापस से सरकार बन चुकी है। टोटल सीट कितनी है 243 सीट है। आइए बात करें एक मेरे दोस्तों एक नाम और, देखिए बिहार का कोई एग्जाम दे रहा होगा ना उसमें आ जाएगा प्रियम पुष्पम चौधरी मेरे दोस्तों। एक नाम और बड़ा सोशल मीडिया में चर्चा में रहा था, उन्होंने दोस्तों खुद को पहले ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, खुद दो सीटों से चुनाव लड़ी मेरे दोस्तों और दोनों में जमानत जब्त हो गई, क्या दोनों में जमानत जब्त हो गई किसकी प्रियम पुष्पम चौधरी की मेरे दोस्तों। उन्होंने खुद को स्थानीय मीडिया में उम्मीदवार बनाया था, किसका मुख्यमंत्री का लाडलो, इसलिए बड़ी चर्चा में रही थी प्लूरल्स पार्टी उनकी पार्टी, कौन सी प्लूरल्स पार्टी। अब देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों ये सारी सीटें आपके सामने हैं लिखी हुई है एक एक सीट आपके, राष्ट्रीय जनता दल को किसकी मिली है, राष्ट्रीय जनता दल जो है दोस्तों इसको मिली है 75। कितनी राष्ट्रीय जनता दल इसको मिली है 75। अगर बात करूं किसने चुनाव कराए होंगे, चुनाव आयोग ने कराए होंगे दोस्तों। और जल्दी से बता दो मेरे प्यारे लाडलो चुनाव आयोग के बारे में, देखिए
आपको देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने यहां पर खड़ा हुआ हूं ना, मैं भी सुबह 5:30 बजे आपके सामने हूं। आपको तो दोस्तों रजाई में बैठकर क्लास लेनी होती है क्या? आप में से 90% तो रजाई में बैठकर क्लास ले रहे होंगे दोस्तों। मुझे सोचिए, मेरी टीम को जक्कर के आना पड़ता होगा, स्टूडियो में आते दोस्तों, इसको पैनल को पूरी को सेट करते हैं, फोटोज लगवाते हैं आपके लिए, और फिर आपके सामने क्लास भी ले रहा हूं दोस्तों। तो आप सोचिए, आपका यह फर्ज बनता है कि इस मेहनत को एक बार दोस्तों पूरे भारत में फैलाया जाए, सबको बता दो ये चीज क्या है दोस्तों। ये जो फूल पत्ती वाला जो परिवार है ना भाई साहब, ये परिवार है, कोई क्लास नहीं है। आइए लाडलो चलते हैं आपके चुनाव आयोग, अभी दिखा दूंगा राजूरी टीम को क्या मिला है, रुक जाओ दोस्तों। चुनाव आयोग की बात करूं, 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिकल कौन सा है? 324 इसका अनुच्छेद है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सुनील अरोड़ा जो है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन है? सुनील अरोड़ा। दो और लोग हैं, एक है सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा। और एक है राजीव कुमार। कौन है दोस्तों? राजीव कुमार। कौन बेवफा हो गए? अशोक लवासा बेवफा हो गए। बिल्कुल सही पकड़ा है मेरे दोस्तों आकाश गिरी ने कि अशोक जो लवासा है वो हो गए बेवफा। कहां पर चले गए? एशियन डेवलपमेंट बैंक में चले गए दोस्तों। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आइए बिहार की तरफ चलते हैं दोस्तों। कहां पर? बिहार। कुछ बातें बिहार के बारे में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बिहार में दोस्तों। अभी तक कौन थे मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार थे। अब वापस से कौन बनने वाले हैं? नीतीश कुमार ही वापस से बनने वाले हैं। राजधानी क्या है? पटना राजधानी है। गंगा नदी के किनारे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? पटना है दोस्तों। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? बनारस, काशी, वाराणसी, तीनों एक ही नाम है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के अंदर है दोस्तों। प्यार का पौधा भी कहां लगता है? बिहार के अंदर ही लगता है प्यार का पौधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो? देखिए भोकाल प्रश्न आपके सामने है, और ये सीरीज ने दोस्तों सच में दिल गार्डन गार्डन कर दिया। जितना फायदा आपको इस सीरीज का होने वाला है ना, आप खुद पेपर में देखोगे और कहोगे सर मजा आ गया। क्या मजा आ गया? देखिए प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ मेरे दोस्तों? यह हुआ 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। कब हुआ? 1976। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यह है क्रिकेट से। किससे दोस्तों? क्रिकेट से है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब होता है? 1972 में होता है। कहां पर होता है? स्वीडन में होता है मेरे दोस्तों। किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास से संबंधित है यह सम्मेलन। ओजोन संरक्षण दिवस कब बनाते हैं? यह बनाते हैं मेरे दोस्तों 16 सितंबर को बनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण के लिए किया गया था। इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? अग्नाशय ग्रंथि में। किसमें दोस्तों? अग्नाशय जो ग्रंथि होती है ना, इसमें होता है इंसुलिन का निर्माण। और अगर इंसुलिन की कमी हो गई लाडलो, कौन सा रोग होगा? मधुमेह रोग होगा, जिसको आप क्या बोलते हो? डायबिटीज। क्या बोलते हो? डायबिटीज भी कहते हो। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज इसको हम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, देखिएगा आपके सामने डोज 42। हीराकुंड बांध कहां स्थित है? अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? मधुमलाई नेशनल पार्क कहां स्थित है? कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? और अगला मेरे दोस्तों, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये 5 सवाल आपके सामने हैं डोज 42। क्या? डोज 42 के 5 सवाल आपके सामने। चलिए रिवीजन करते हैं, फिर दोस्तों करेंगे अपने दिल से दिल तक की बातें। सुनिए पहला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के किस राज्य में केसर के उगाने के लिए दोस्तों परियोजना सिक्किम के अंदर स्टार्ट हुई है? जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना है आपको, महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ है। याद है मेरे लाडलो गजब की भाषा बोली थी ना मैंने कल आपके सामने? नेपाल मेरे दोस्तों। कौन है? नेपाल। राष्ट्रपति है विद्या भंडारी। अगला क्वेश्चन देखेगा, T20 में महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता है। स्मृति मंदाना दोस्तों क्या है? कप्तान है। सुपरनोवाज 2 बार जीत चुका है पिछली बार दोस्तों, और इसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, मैंने कहा था आपसे ये 9 नवंबर को बनाते हैं, और दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलिया भट्ट नहीं दोस्तों, आलिया जफर। क्या? आलिया जफर को किस देश के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है पाकिस्तान। क्या है दोस्तों? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हुनर हाट का पुनः आरंभ किया गया
है, किस मंत्रालय? मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ना लिखना अभियान दोस्तों इसके तहत पूर्ण साक्षरता कब 2030 तक हासिल करनी है? केरल को इस अभियान में शामिल कर लिया 8 सितंबर 2020 मेरे दोस्तों, इसमें इसका स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है आपके, शॉर्ट फिल्म ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में पुरस्कार जीता है, वो है नटखट। किसकी है? ये नटखट है दोस्तों विद्या बालन। किसकी है? विद्या बालन की है नटखट। एंड्रियो गेज ने किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता? 2020 में जीता है दोस्तों एंड्रिया डिया ड्रिया ड्रिया रिया 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 क्या रिया रोज जेल जाती है क्या दोस्तों रिया रोज जेल जाती है तो 2020 में जीत लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश की अध्यक्षता में SCO के 20वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है? वो है दोस्तों रूस की अध्यक्षता में किया गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है और आप जानते हो मेरे लाडलों इसकी जो है 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1996 में इसकी स्थापना हुई। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसकी जो PDF है आपको वो उत्कर्ष ऐप पर मिलने वाली है। नस्ते नाबूद सीरीज जो है इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस याद होंगे, एक बार और सुन लीजिए, सर पानी पी लीजिए, अरे तुम्हारा प्यार ही इतना है मेरे दोस्तों, कुछ भी जरूरत नहीं है, बस तुम प्यार बनाए रखो। ये फूल पत्ती वाला मेरे दोस्तों, कुछ लोग होंगे उछल कूद करने वाले है ना, पर मैं उनसे कह देता हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस परिवार के ऊपर। क्या? कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस परिवार के ऊपर। ये परिवार दोस्तों ऐसा परिवार नहीं है, ये मजबूती से जुड़ा हुआ परिवार है। ये दोस्तों हमारा परिवार है जो एक दूसरे की फीलिंग से जुड़ा हुआ है। क्या? फीलिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए उछल कूद करने में कोई फायदा है नहीं रसगुल्लो। जो मेरे रसगुल्ले हैं ना वो तो दोस्तों मेरे ही रहेंगे। क्या? मेरे ही रहेंगे, क्योंकि मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। सुनिए दोस्तों, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है, 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस है, 25 को मतदाता दिवस है दोस्तों, 28 को विज्ञान दिवस है, 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 22 मार्च को जल दिवस है, 7 को ध्यान रखना है WHO की स्थापना, वर्ल्ड हेल्थ डे है, 24 को दोस्तों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज दिवस है, 1 मई को श्रमिक दिवस, 12 मई को विश्व नर्स डे, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस दोस्तों बायोडायवर्सिटी डे, 21 मई को है तंबाकू निषेध दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जून को दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस है, 26 नवंबर याद करो राष्ट्रीय नेशनल मिल्क डे, 5 जून को पर्यावरण है, 8 को महासागर है, 17 को मरुस्थलीकरण रोकथाम है, 21 को योग दिवस है, 1 जुलाई को डॉक्टर है, 4 जुलाई को अमेरिका इंडिपेंडेंस डे है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस है, 1989 से स्टार्ट होता है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे है, 26 को कारगिल विजय दिवस है, 28 को हेपेटाइटिस डे है, 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस है, 6 को हिरोशिमा में बम गिरा था, 9 को विश्व आदि दिवस और नागासाकी दिवस भी 9 को है, 12 अगस्त अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और दोस्तों 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, 12 अगस्त को ही दोस्तों युवा और हाथी दोनों 12 अगस्त को है, 29 को है राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद, 5 सितंबर को है शिक्षक दिवस, क्या है दोस्तों शिक्षक दिवस है, 8 को है विश्व साक्षरता दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 14 को हिंदी दिवस है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 को लोकतंत्र और जुगाड़ू, जुगाड़ू जानते हो ना दोस्तों इंजीनियर्स डे, 16 को है ओजोन दिवस है मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 27 को पर्यटन दिवस है, 29 को विश्व हृदय दिवस है, 2 को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अहिंसा है, 8 को एयर फोर्स डे है 1932, 11 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय महिला अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 को दोस्तों छात्र दिवस और नवाचार दिवस जो है वो 15 को है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 16 को इंपॉर्टेंट है विश्व खाद्य दिवस, 24 को यूनाइटेड नेशन डे इंपॉर्टेंट है, और 5 को दोस्तों विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये भी क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, 19 नवंबर को है शौचालय दिवस दोस्तों, शौचालय में बैठकर बनाना है, 19 नवंबर को शौचालय दिवस है, 26 को संविधान है और इसी दिन मिल्क डे है, 1 को विश्व एड्स डे है, 4 को नौसेना दिवस है, 5 को विश्व मृदा दिवस है, 10 को मानवाधिकार दिवस है, नोबेल पुरस्कार भी 10 दिसंबर है दोस्तों, 16 को विजय दिवस है, 23 को अन्नदाता दिवस है, 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है और 25 को दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस है। अब आप सोच रहे होंगे मैं डेली क्यों
पढ़ाता हूं इनको, देखना दोस्तों जिस दिन पेपर आएगा ना आपके हाथ में, उस दिन आप ये महसूस करोगे कि आपको जब ये क्वेश्चन सामने आएंगे आपको बड़ा आसान लगेगा। क्या इतना आसान क्वेश्चन दोस्तों? पर ध्यान रखना इस बात को, ये क्वेश्चन आसान नहीं था, तुम्हारे दिमाग में बार बार इसको बैठाया गया है, बार बार तुमसे ये कहा गया था कि तुम्हें अब की बार एग्जाम को फोड़ना है। क्या एग्जाम को फोड़ना है? बार बार तुमसे कहा गया था कि तुम कर सकते हो और तुमने वो करके दिखला दिया। क्या तुमने वो करके दिखला दिया? चलिए दोस्तों दंगल के अंदर आते हैं। महत्वपूर्ण अवार्ड 5 तो कल पढ़े थे, 5 आज पढ़िए। गुलबैकियन अवार्ड दोस्तों, ये किसको मिला है? ये मिला है ग्रेटा थनबर्ग। किसको मिला है? ग्रेटा थनबर्ग को मिला है गुलबैकियन अवार्ड। और ये कौन है लाडलो? ये शेरनी है स्वीडन की। कहां की है? स्वीडन की शेरनी है। इसी को मेरे दोस्तों टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। क्या? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आइए दंगल सीरीज में दोस्तों पेपर का मंगल करना है, दंगल से मंगल होगा दोस्तों। आइए ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की शेरनी है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। क्या? पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। भारत की दोस्तों कौन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारत की है लिसी प्रिया कंगुजम। कौन है? लिसी प्रिया कंगुजम। दूसरा देखिए ऑस्कर पुरस्कार मेरे दोस्तों, इसमें आपको तीन ध्यान रखने हैं। पहला तो मेरे लाडलो तीन है आपको जो ध्यान रखने हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है पैरासाइट। किसको मिला है दोस्तों? पैरासाइट फिल्म को दिया गया है। अब से पूछे सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है जोकिन फिनिक्स। किसको दोस्तों? जोकिन फिनिक्स। किसके लिए? जोक दोस्तों जोकर फिल्म के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर नी का अवार्ड, अरे बुझे हुए चुनो, एक्टर नी नहीं दोस्तों, एक्ट्रेस का अवार्ड, अभिनेत्री का अवार्ड। किसका? अभिनेत्री, हीरोइन भी नहीं दोस्तों। क्या? हीरोइन भी नहीं, अभिनेत्री का अवार्ड, या फिर दोस्तों आपसे पूछे एक्ट्रेस का अवार्ड। चलिए मान लीजिए एक्टरनी का अवार्ड किसको मिला है, तो लिख लीजिए एक्टरनी का जो अवार्ड मिला है वो मिला है दोस्तों रैनी जिवलेगर। किसको मिला है? रैनी जिवलेगर को मिला है। किस फिल्म के लिए? जूडी फिल्म के लिए। किसके लिए? जूडी फिल्म के लिए। तीनों नाम दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पॉली उमरीगर अवार्ड ये मिला है लाडलो, नोट कर लीजिए, ये अवार्ड दिया गया है बूम बूम बुमरा जसप्रीत बुमरा। किसको मिला है? जसप्रीत बुमरा को पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 2019 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, 20 वाले तो कल बताए थे दोस्तों मैंने आपको, 19 में दो लोगों को मिला था बजरंग पूनिया। किसको मिला? बजरंग पूनिया को दोस्तों, और एक मिला दीपा मलिक। किसको मिला है? दीपा मलिक को मिला था। ये दोस्तों दीपा मलिक जो है वो पैरा एथलीट है। क्या है? दिव्यांग एथलीट है दीपा मलिक। दोनों का संबंध कहां से है? दूध खाट की नगरी हरियाणा से। कहां से दोस्तों? हरियाणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रैमन मैक्सेस अवार्ड 2020 का तो किसी को नहीं मिला, आपको पता होना चाहिए, रद्द कर दिया। 2019 का दोस्तों ये अवार्ड मिला है किसको? ये मिला है रवीश कुमार को। किसको मिला है? रवीश कुमार। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है दोस्तों। एनडीटीवी वाले जो रवीश कुमार है ना, उन्हीं को मिला है। रैमन मैक्सेस अवार्ड कहां मिलता है? मनीला में मिलता है। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। इसको कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। क्या? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसी को कहते हैं। यही तो मेरे दोस्तों, चलिए मैं तो मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, लेकिन तुम भी दोस्तों जमकर मेहनत कर रहे हो। ये मेहनत तुम्हारी कमेंट्स बॉक्स में दिखती है मुझे कि हां सर हम तैयार हैं, आप तो बस आगे बढ़ो, हम पीछे वाला हम सामान लेंगे। पीछे वाला संभालते चलो, मैं भी पूरी कोशिश करता हूं यहां पर दोस्तों उसे संभालने की। चलिए लाडलो अब आते हैं मेरे दोस्तों आपके सामने, दिवाली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दिवाली की बात करते हैं मेरे दोस्तों। आपको पता ही है 13, 14, 15 दोस्तों ये दिवाली के क्या होते हैं? बड़े महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, और भारत का सबसे बड़ा दोस्तों एक तरह से परिवार के साथ में खुशी के पल बिताने का सबसे बेहतरीन मौका क्या है दोस्तों? वो होती है दिवाली। क्या? दिवाली होती है अंदर से मेरे दोस्तों, अंदर से क्या होता है? पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। कब? दिवाली के समय। आप भी फील कर रहे होंगे मेरे लाडलो, मैं भी फील कर रहा हूं, मेरी टीम भी कर रही है, सभी कर रहे हैं दोस्तों। पर ये भी तो अपना परिवार है। क्या? ये भी तो अपना परिवार है। अब सुनिए 2-3 घोषणाएं सुन लीजिए। अरे दिल्ली पुलिस वालों, तुम्हारे लिए ऐसा ब्रह्मास्त्र लाया हूं भाई साहब, अब की बार
इस ब्रह्मास्त्र में मेरे दोस्तों परीक्षा का स्वाहा, क्या स्वाहा होने वाला है। ऐसा ब्रह्मास्त्र ना तो दोस्तों आया होगा ना ही आने वाला है। और कीमत सुनोगे ना तो दोस्तों आंखें खुली रह जाएंगी तुम्हारी। दिल्ली पुलिस वालों तुम ही अगला टारगेट हो, क्या तुम ही अगला टारगेट हो। नस्ते नाबूद करना है आपकी बार दोस्तों एग्जाम को। दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी अगला टारगेट है। आइए दोस्तों चलते हैं। आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने उत्कर्ष ऐप जो है मेरे दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा 13 नवंबर मेरे दोस्तों उत्कर्ष ऐप की दूसरी वर्षगांठ है, 13 नवंबर 2020। अब दूसरी वर्षगांठ है दोस्तों, और आप जानते हो उत्कर्ष मेरे दोस्तों कुछ नया ना करे तो फिर मजा ही क्या। हर कोई सोचता है कि उत्कर्ष तो नया करने ही वाला है, तो दूसरी वर्षगांठ है। लगभग 25 लाख का परिवार है उत्कर्ष दोस्तों ऐप के अंदर अपने पास में। यूट्यूब पर अपना परिवार 40 लाख से ऊपर का है। और सोचिए दोस्तों उत्कर्ष ऐप में जो पढ़ने वालों की जो संख्या है ना, अब तक टोटल डाउनलोड हो चुके हैं 25 लाख परिवार। और दोस्तों जो कल से सेल स्टार्ट हुई है ना, आपने देखा होगा एक दिन के अंदर लगभग 2000 दोस्तों नए स्टूडेंट ने कोर्स खरीदा है कहां पर, उत्कर्ष के ऐप के अंदर। जो ये आपने प्यार और जो इसने दिखाया है ना दोस्तों, इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं उत्कर्ष परिवार की तरफ से। दोस्तों मैं करता हूं आभार व्यक्त आपका। और ध्यान रखना 13 नवंबर 2020 को सबको पता लग जाना चाहिए दोस्तों भारत में कि आज उत्कर्ष ऐप की दूसरी वर्षगांठ है। और ये काम कौन करेगा, तो सर से मैंने बोला मेरा परिवार करेगा। क्या मेरा परिवार करेगा, क्योंकि दोस्तों यही तो वो परिवार है जो उत्कर्ष ऐप से हम आपस में जुड़े हुए हैं। अब सुनिए मेरे लाडलो, हमने क्या किया इस दिन, तो मेरे दोस्तों इस दिन मेरे जितने भी शेर शेरणी है उनके अंदर जश्न का माहौल होना चाहिए, और ये माहौल मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखना चाहिए मेरे दोस्तों। चाहे फेसबुक अकाउंट है, चाहे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे यूट्यूब पर दोस्तों कोई आपका अकाउंट है, या फिर ट्विटर पर अकाउंट है, आपको कुछ नहीं करना। उत्कर्ष ऐप दोस्तों आपके जीवन में किस प्रकार बदलाव लाया है, उत्कर्ष ऐप की कौन कौन सी क्वालिटी दोस्तों आपको बेहतरीन लगती है, उत्कर्ष ऐप ने आपको क्या सिखाया है दोस्तों, क्या आपको उत्कर्ष ऐप ने दिया है, और क्या उत्कर्ष ऐप के फीचर्स को आपने पसंद जो किया है मेरे लाडलो, केवल उनको आपको बताना है। मैं फिर कह रहा हूं कोई राग लपेट मत करना दोस्तों, जो दिल से अनुभव किया हो ना हमारे लिए मेरे दोस्तों वो आपको बताना है। और ये आपको क्या करना है, अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पर डालना है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये हैशटैग यूज करना है, कंपलसरी है। ध्यान रखना इसकी तरफ ध्यान मत दो रसगुल्लो, पहले ये सुन लो, इस हैशटैग का यूज कंपलसरी याद कंपलसरी है दोस्तों करना। इसका नाम पढ़ लीजिए, हैशटैग उत्कर्ष ऐप सेकंड एनिवर्सरी। मैं आपको हर लेटर दोस्तों पढ़ के सुनाता हूं। यू कैपिटल है TKARSH उत्कर्ष, APP सेकंड मेरे दोस्तों दो गणित वाला, ND ANNIVERSARY इस हैशटैग का यूज करना है। कहीं पर भी आप दोस्तों जिस दिन पोस्ट डालोगे 13 नवंबर को मेरे लाड लो, और ध्यान रखना वो सारी पोस्टें अपने आप क्या होंगी, हमारे पास पहुंच जाएंगी अगर आपने इस हैशटैग का यूज किया है। उसमें से दोस्तों जो 100 भाग्यशाली विजेता होंगे, जो ऑनलाइन लकी ड्रॉ के द्वारा निकाले जाएंगे मेरे दोस्तों, उनको उत्कर्ष की तरफ से एक गिफ्ट पैकेज उनके घर पर ही उपलब्ध हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये 100 की 100 जो है ना अपने परिवार में आने चाहिए। ध्यान रखना इस बात को, तुम तो मेरे दोस्तों गदर मचा देना। क्या गदर मचा देना, जो भी दोस्तों एक वीडियो बनानी है आपको, क्या एक वीडियो बनानी है आपको, 2-3 मिनट की वीडियो बनानी है दोस्तों, आराम से उसमें उत्कर्ष ऐप के बारे में। देखिए जो जितना क्रिएटिव करेगा दोस्तों वो उतना ही बेहतर होगा। और दोस्तों हम इस ये जो पोस्ट होंगे ना, इसमें से कुछ पोस्टों को हमारा जो चैनल है उत्कर्ष वाला चैनल है, चाहे फेसबुक चैनल है, वहां पर भी पोस्ट करेंगे दोस्तों, जिससे सबको पता लगना चाहिए कि ये परिवार कितना क्रिएटिव परिवार है। तो मेरे दोस्तों याद रखना ये दिनांक मत भूलना, 13 नवंबर 2020 मैं खुद आऊंगा दोस्तों, मैं खुद
अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट डालूंगा, तुम भी डालना मेरे दोस्तों, जहां पर भी तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट हो। चलिए ये तो पहली बात हो गई मेरे दोस्तों। फिर बात करते हैं दीपावली उपहार। क्या एक तो दीपावली उपहार दोस्तों राजूरी टीम को मिला है। किसको मिला है? राजूरी टीम को। इसके बारे में बताऊंगा भाई साहब, लेके बैठा राजूरी टीम, दिखाऊंगा आपको क्या मिला है उनको। दूसरा उपहार मिला है दोस्तों आप सभी को, पहली तो महा बचत है, चाहे स्कूल का कोर्स हो चाहे दोस्तों अपना कंपटीशन वाला कोर्स हो, दोनों में महाबचत का ऑफर चल रहा है, इसको चूकने मत देना। क्या दिवाली पर दोस्तों खुशियां बांटना, इसको चूकने मत देना। दूसरा मेरे लाडलो, एक आपको याद होगा जोधपुर के अंदर उत्कर्ष द्वारा दोस्तों एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है, बड़ी बेहतरीन लाइब्रेरी है मेरे दोस्तों, जल्द ही इसका अगले महीने दोस्तों इनॉग्रेशन भी किया जाएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। ये दूसरा उपहार है जिसमें निःशुल्क मेरे दोस्तों लगभग 300 स्टूडेंट एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। अगला सुन लीजिए, नए फीचर्स मेरे दोस्तों उत्कर्ष ऐप में आने वाले हैं, आपको याद होगा सर ने बताया भी था आपको नए फीचर्स आने वाले हैं। और दिल्ली पुलिस वालों तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र, क्या दोस्तों तुम्हारे लिए आ चुका है ब्रह्मास्त्र, 20 मॉडल पेपर दोस्तों इसके अंदर है। क्या 20 मॉडल पेपर इसके अंदर है, उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उनकी जो पीडीएफ है दोस्तों एक्सप्लेनेशन वो भी आपको मिलेगी। और मेरे हिसाब से दोस्तों जो मुझे याद है शायद इसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये। क्या मेरे दोस्तों शायद इसकी कीमत 100 रुपये रखी गई है उत्कर्ष के द्वारा, तो कंफर्म जो है दोस्तों वो भी आपको बता दी जाएगी, पर जहां तक मुझे अनुमान है कि इसकी जो कीमत है वो है 100 रुपये। अब आप बताइए लाडलो कि ये वाला जो ब्रह्मास्त्र है जो जारी किया गया है, ये आपको कैसा लगा? अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, अब लाडलो बात करते हैं अवकाश की। किसकी? अवकाश की। एक्चुअली में मेरे दोस्तों जैसे मुझे अलवर जाना है, कहां जाना है? अलवर जाना है, तो दोस्तों 4 दिन तो क्या होंगे आने जाने में, और बीच में 2 दिन रुकने में लग जाएंगे। तो आपका 13 का अवकाश है, 14 का अवकाश है, 15 का अवकाश है और 16 का अवकाश है। हम मिलेंगे अब 17 तारीख को। कब मिलेंगे दोस्तों? 17 तारीख को मिलेंगे। मुझे भी पता है 4 दिन मेरे भी नहीं निकलने वाले, आपके भी नहीं निकलने वाले, लेकिन आपसे फिर कहूंगा इन 4 दिनों को दोस्तों ऐसे जीना कि आपको 1 साल तक पढ़ने में दोस्तों कोई दिक्कत ना हो। आप इंतजार करो कि अगली दिवाली पर फिर मेरे दोस्तों 4 दिन को जमकर जीऊंगा। तो ध्यान रखना ये 4 दिन कहते हैं ना जीने के हैं 4 दिन मेरे दोस्तों, यही वो 4 दिन है, वरना 5वें दिन तो फूल पत्ती वाला आएगा और सुबह सुबह दौड़ाएगा। क्या दोस्तों? सुबह सुबह दौड़ाएगा। तो ये जीने के 4 दिन है आपके पास में, 13, 14, 15, 16 जो मस्ती करनी है, जो धमाल करना है, जो भूचाल लाना है मेरे दोस्तों, इन 4 दिनों में जो मस्ती करनी है कर लेना, मैं भी कर आऊंगा, तुम भी कर आना, फिर दोस्तों फिर धुआं धुआं करेंगे इसी मंच के ऊपर। लेकिन 17 तारीख को मेरे लाड लो ये जो क्लास है वो कब से स्टार्ट करेंगे, अब 6 बजे से स्टार्ट होगी। मैं चाहता हूं मेरे दोस्तों किसी दिन भी आपकी क्लास ना छूटे, सर्दी का समय है 5:30 मेरे दोस्तों, आप सोचिए कोहरा अधिक हो गया और राजूरी टीम का मेंबर आया ही नहीं, तो मेरे दोस्तों क्लास कैसे स्टार्ट होगी? हम रिक्स नहीं ले सकते, हमारे लिए हर दिन महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों 17 नवंबर को नोट कर लेना, सुबह 6 बजे क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, 17 नवंबर को आपको तैयार रहना है। अब बात करते हैं राजूरी टीम को क्या मिला है भाई साहब, क्या राजूरी टीम को क्या मिला। देखिए उत्कर्ष मेरे दोस्तों एक परिवार आप देख चुके होंगे, चाहे पढ़ाई का मामला हो, गुणवत्ता का मामला हो, चाहे मनोरंजन का मामला हो और चाहे दोस्तों अपनेपन का मामला हो, चारों में उत्कर्ष के दोस्तों आपने देखा होगा, उत्कर्ष कोचिंग की तरह नहीं एक परिवार की तरह व्यवहार करता है दोस्तों, और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए मैं चाहता तो मेरे दोस्तों आपको नहीं बताता, लेकिन मेरा परिवार है मैं तो बताऊंगा कि इस परिवार की जो राजूरी टीम है, जितने भी दोस्तों उत्कर्ष में जितने भी एम्प्लॉयर हैं, जितने भी दोस्तों इस परिवार के मेंबर हैं, आप ऐसे समझ लीजिए उत्कर्ष परिवार के जितने भी मेंबर हैं मेरे लाडलो, उनको गिफ्ट दिया गया उत्कर्ष के द्वारा मेरे दोस्तों, और वो जो दोनों गिफ्ट है वो मेरे साथ में। क्या दोनों गिफ्ट मेरे साथ में? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं उसमें जो एक गिफ्ट है मेरे लाडलो, वो आपके सामने मैं दिखाता हूं, वो आपको दिख भी रहा होगा। एक गिफ्ट आपके सामने ये है, जिसमें मेरे दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको
रसगुल्ला है, क्या है? हाँ भाई साहब, इसके अंदर है रसगुल्ला, राजूरी टीम को दिया गया है मेरे दोस्तों, रसगुल्ला दिया गया है इसके अंदर, और रसगुल्ला भी दोस्तों चाशनी वाला है, क्या? चाशनी वाला रसगुल्ला है, राजूरी टीम को दिया गया है। इसके साथ में इस बॉक्स के अंदर मेरे दोस्तों रसगुल्ले के साथ में आपके नमकीन भी दी गई है, जिससे वो आनंद ले पाए, किसका दोस्तों? जोधपुर की नमकीन का भी आनंद ले पाए। ये तो हो गई खाने पीने वाली चीज, अब बताओ मेरे दोस्तों इसको किसमें खाएंगे? तो वो लाडलो आपको देख लीजिए, दूसरा जो उनको मिला है उपहार मेरे दोस्तों वो आपके सामने है। देखिए सबसे पहले तो आप इसको देखिए दोस्तों, ये आप समझ पा रहे हो कौन है? बब्बर शेर है लाडलो, कौन है? बब्बर शेर निर्मल सर है दोस्तों, और इधर कौन है? रीढ़ की हड्डी उत्कर्ष के तरुण सर है, कौन दोस्तों? तरुण सर है। और आप समझ लीजिए ये जो लोगो लगा हुआ है ना, ये हमारी शान है, क्या? ये हमारी शान है, अपनी शान है, उत्कर्ष की शान है दोस्तों ये लोगो। और इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर मेरे लाडलो आपके सामने है, देख लीजिए इसके अंदर मेरे दोस्तों आपको दिख रहा होगा रसगुल्ला खाने के लिए, क्या मेरे दोस्तों? रसगुल्ला खाने के लिए। इसकी क्वालिटी का अंदाज आप इस बात से लगा लीजिए कि लगभग इसमें मेरे दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें 6-7 किलो वजन है, क्या? 6-7 किलो वजन है इस दोस्तों, जो डिनर सेट है इसके अंदर लगभग 6-7 किलो वजन है, स्टील का दोस्तों डिनर सेट है जो दिया गया है। देखिए आप जब राजूरी टीम अपने घर पर जाएगी मेरे दोस्तों, तो हम ये सोचते हैं कि उनके परिवार वालों के लिए वो क्या लेकर जाएंगे, तो दोस्तों ये उपहार है, उत्कर्ष पहुंचेगा उनके घर पर, क्या? उत्कर्ष पहुंचेगा उनके घर पर। तो मैंने दोनों उपहार आपको दिखा दिए भाई साहब, देखिए सबसे पहले मैं आपकी चिंता करता हूं मेरे दोस्तों, दोनों उपहार आपको दिखा दिए, रसगुल्ला भी दिया है, रसगुल्ला खाने के लिए प्लेट भी दी है, क्या दोस्तों? रसगुल्ला खाने के लिए आपको डिनर सेट दिया है, आराम से बैठकर रसगुल्ला और नमकीन का आनंद उठाएगा राजूडी परिवार, और आप भी उठाओगे मेरे दोस्तों मेरे साथ में, बने रहिएगा इसी प्रकार में, क्योंकि तुम मेरी शक्ति हो और ये परिवार है, आप समझ चुके होंगे भावनाओं से चलता है, किससे? भावनाओं से चलता है। चलिए मेरे दोस्तों अब चलते हैं किसकी तरफ, तो मैं निकलने वाला हूं लाडलो आपकी क्लास लेने के बाद ही, और आपको दोस्तों 17 तारीख को मिलूंगा आपके बीच में, फिर कह रहा हूं 4 दिन मेरे दोस्तों अपने परिवार के साथ बिताना, उनके साथ व्यतीत करना, मां बाप के साथ बिताना, छोटे बच्चों के साथ में मस्ती करना दोस्तों, बचपन में लौट जाना, क्या? बचपन में लौट जाना। चलिए कल का फूल पत्ती वाला सवाल क्या है, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? वो है दोस्तों ज्ञानेंद्रो निंगा मैम को, किसको दोस्तों? ज्ञानेंद्रो निंगा मैम को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, आपको इसका आंसर देना है, ये आज का सवाल है। और मेरे रसगुल्लो मैं पूरी उम्मीद करूंगा, पूरी दुआ करूंगा आपके लिए कि आपकी जो दिवाली है वो बेहतर हो सके, और दोस्तों आपकी जो दिवाली है वो आपके खुशियां लेकर आए, आपको और खुशियां दे, आपकी दोस्तों जो परिवार है उसको और बेहतर कर दे, आपके परिवार को और डेवलप कर दे मेरे दोस्तों। और हां, जो आपने सोचा है, जिसके दोस्तों आप तपस्या कर रहे हो जिसके लिए, वो आपकी पूरी हो, आपको सिलेक्शन मिले मेरे दोस्तों, वर्दी हो आपके शरीर पर, जिनका रेलवे का एग्जाम हो उनका रेलवे का एग्जाम पार हो। लेकिन फिर वही कहूंगा, किस्मतों के भरोसे मत बैठना दोस्तों, किस्मत खुद आपके भरोसे बैठी है, क्या? किस्मत खुद आपके भरोसे बैठी है, हमारी मेहनत के भरोसे बैठी है, इस टपकते हुए पसीने के भरोसे बैठी है। तो दोस्तों हमें ये काम तो करना पड़ेगा, अपनी किस्मत को अपनी मेहनत के बलबूते पर चमकाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसके लिए मेरे दोस्तों उत्कर्ष परिवार आपके साथ है, उत्कर्ष परिवार की तरफ से मेरे दोस्तों आप सभी को तहे दिल से आभार, जो आपने प्यार दिया है। उत्कर्ष की दूसरी वर्षगांठ दोस्तों उत्कर्ष ऐप की, ध्यान रखना 13 नवंबर को दोस्तों लगना चाहिए भारत में, कि सच में आज एक परिवार की वर्षगांठ है, क्या? एक परिवार की दूसरी वर्षगांठ। चलिए मेरे दोस्तों फिर मिलूंगा आप सबसे 17 तारीख को, मिलूंगा इसी मंच पर सुबह 6 बजे, और फिर मेरे दोस्तों याद रखना, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहां तक जाए, क्या? फेंक भाला जहां तक जाए। तो भाला फेंकने के लिए तैयार रहना 17 तारीख को सुबह 6 बजे मेरे दोस्तों, मेरी टीम और मेरा परिवार साथ होगा, मिलकर कुछ नया करेंगे। दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, पटवार और यूपी जितने भी एग्जाम है मेरे दोस्तों जो होने वाले हैं, सबके लिए जमकर मेहनत करेंगे,
परिवार की तरह मेहनत करेंगे। चलिए मिलूंगा दोस्तों फिर आपके साथ में। महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना यही देश की जान है, यही देश की शान है। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना, थोड़ा फटाकों से दूर ही रहना मेरे दोस्तों, पटाखे कुछ नहीं है मेरे लाडलो, जीवन में खुशियां परिवार के साथ रहने में, पटाखों से दूर रहना मेरे दोस्तों और अनुभव करना, कुछ सीखना मेरे दोस्तों और अपने अंदर एक इस प्रकार का दृढ़ संकल्प करके आना कि अगली बार जब दिवाली पर जाऊंगा ना तो उस एक साल की हर मिनट का हिसाब दूंगा। क्या दोस्तों? हर मिनट का हिसाब दूंगा। चलिए मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप सभी का आभार। बस इसी प्रकार प्यार बनाए रखिएगा। चलिए मैं भी निकलता हूं और दोस्तों आप तो अपने घर में ही हैं, रजाई के अंदर ही हैं, वही चुपचाप रहिएगा, बाहर मत निकलिए, बहुत ठंड है। क्या दोस्तों? बहुत ठंड है। जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।